हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फिफ्थ स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, आप सीखने वाले हैं आज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कम्प्लीटली नॉलेज मिलेगी आपको इस चैप्टर में। इस चैप्टर में देख लेते हैं हमें क्या क्या सीखना है। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इनपुट डिवाइसेज एंड सेकंड टॉपिक होगा आउटपुट डिवाइसेज। आज हम इनपुट डिवाइसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन, गो अहेड। फर्स्टली हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इनपुट डिवाइसेज होती क्या हैं। इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू एंटर डाटा। इनपुट डिवाइसेज का यूज़ किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए एंड इन्फॉर्मेशंस और इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेज का यूज़ कंप्यूटर के अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज, मेन फंक्शन जो इनपुट डिवाइस का होता है वो क्या होता है, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लेना एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म, और उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन फंक्शन होता है इनपुट डिवाइस का वो ये होता है कि यूज़र इनपुट डिवाइस यूज़र से, यूज़र कौन होता है, यूज़र जैसे जो भी कंप्यूटर चलाता है वो यूज़र होता है स्टूडेंट्स, तो यूज़र के द्वारा इनपुट लेती है इनपुट डिवाइस एंड उसे कंप्यूटर की फॉर्म में, समझ में आने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जो भी कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इनपुट डिवाइस करती है स्टूडेंट्स। नाउ इनपुट डिवाइस की सबसे पहले इनपुट डिवाइस को पढ़ लेते हैं, जिसका नेम है ग्राफिक टैबलेट। स्टूडेंट, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अ ग्राफिक टैबलेट इज़ अ टच सेंसिटिव डिवाइस। एक ग्राफिक टैबलेट जो होती है वो टच सेंसिटिव डिवाइस होती है, जिसे टच करके हम डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। इट लेट्स द यूज़र ड्रॉ और स्केच ऑन इट्स सरफेस यूजिंग अ पेन और स्टाइलस। और ये वह क्या होती है, वह हम यूज़र को अपने सरफेस पर पेन और स्टाइलस एक तरह का पेन ही होता है जो टच स्क्रीन को चलाने के काम आता है। तो ये वह हमें यूज़र को, या हमें बोल सकते हैं कि वह यूज़र को पेन और स्टाइलस से अपने सरफेस पर कुछ ड्रॉ और स्केच करने देता है। जो ग्राफिक टैबलेट होता है इसके सरफेस पर, इसके ऊपर आप किसी भी पेन और स्टाइलस, जो कि स्पेशली टैबलेट के लिए ही पेन बनाए जाते हैं, उनसे इस पर आप कुछ भी ड्रॉ और स्केच कर सकते हैं। इट गिव्स अ फीलिंग टू द यूज़र एज इफ और शी इज़ ड्रॉइंग यूजिंग अ पेंसिल और पेन ऑन अ शीट पेपर। और ये एक हमें फीलिंग देता है, एक यूज़र को फीलिंग देता है कि जैसे कि वो किसी पेपर की शीट, पेपर पर पेंसिल और पेन से ड्राइंग बना रहे हैं। ऐसा लगता है स्टूडेंट्स इस पर वर्क करने के बाद, जैसे कि हम किसी पेपर पर ही पेंसिल से कुछ स्केच कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। सो जस्ट लाइक अ पेपर एंड पेंसिल वी कैन यूज़ इट। अ ग्राफिक टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइंग टैबलेट और पेन टैबलेट। एक ग्राफिक टैबलेट को हम ड्राइंग टैबलेट भी बोल सकते हैं और पेन टैबलेट भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसे तीनों नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं जो ग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं तो ड्राइंग टैबलेट बोलते हैं, कुछ लोग पेन टैबलेट पेन की तरह यूज़ करने के तरह से यूज़ करते हैं तो वो इसे पेन टैबलेट बोलते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स आर जनरली यूज बाय आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इलस्ट्रेटर्स, फैशन डिजाइनर्स, कार्टूनिस्ट एंड सो ऑन। ग्राफिक टैबलेट जो सामान्य रूप से यूज़ की जाती है वो आर्टिस्ट के द्वारा की जाती है, आर्किटेक्ट भी इसे यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन तैयार करने के लिए, इलस्ट्रेटर्स भी करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स भी इसमें डिज़ाइंस बनाते हैं, कार्टूनिस्ट कार्टून्स बनाने के लिए भी काम आती है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। स्टाइलस इज़ अ पेन शेप्ड, स्टाइलस जो मैंने आपको बताया कि एक पेन शेप में होता है, एक डिवाइस होती है, दैट इज़ यूज टू एंटर डेटा ऑन टच सेंसिटिव डिवाइसेज, जिसका काम क्या होता है, टच सेंसिटिव डिवाइसेज में डेटा को एंटर कराना, कुछ भी ड्राइंग बनानी है, कोई भी स्केचिंग करनी है, कोई भी ग्राफिक बनाना है, तो वो सब इसी स्टाइलस के द्वारा किया जाता है। सो ग्राफिक टैबलेट क्या है, समरी में जान लेते हैं। ग्राफिक टैबलेट एक सेंसिटिव डिवाइस है जिस पर
जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ और स्केच कर सकते हैं। और इस पर वर्क करना ऐसा फील होता है जैसे कि हम किसी पेपर पर पेंसिल से या पेन से कुछ बना रहे हैं। ग्राफिक टेबलेट को ड्राइंग टेबलेट और पेन टेबलेट भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इसे आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इलस्ट्रेटर, फैशन डिज़ाइनर, कार्टूनिस्ट और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो स्टाइलस होता है जिससे पेन, जो पेन शेप्ड का होता है, उस डिवाइस से इसमें हम कुछ भी एंटर डाटा एंटर कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। गो हेड एंड लर्न अबाउट लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन। लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है और इट इज यूज्ड टू पॉइंट, सेलेक्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन अ मॉनिटर बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है इसका? सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट के लिए, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए और वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है मॉनिटर के ऊपर। एंड बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और इसे डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्लेस कर दिया जाता है, मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखकर ही इसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये लाइट पेन उन स्क्रीन्स के लिए होता है जब कोई कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कोई मॉनिटर होते हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं, तो उन पर इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट लगाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अ लाइट पेन इज़ यूज ओनली विद द CRT मोनिटर्स। लाइट पेन का यूज़ CRT मोनिटर्स पर ही किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज बाय इंजीनियर्स। इसका आमतौर पर इंजीनियर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, आर्किटेक्ट इसको यूज़ करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स भी कभी कभी यूज़ करते हैं एंड टीचर्स वाइल टीचिंग ऑन अ स्मार्ट बोर्ड। और टीचर इसका यूज़ तब करते हैं जब वो किसी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं। सो लाइट पेन क्या होता है, समरी में जान लेते हैं। एक लाइट पेन लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इसका यूज़ सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए और बहुत सारी जगह पर किया जाता है, और इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। एक लाइट पेन को CRT मॉनिटर पर ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज बाय इंजीनियर्स। इसे आमतौर पर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनर, टीचर्स, सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, व्हाट इज़ बारकोड रीडर? अ बारकोड रीडर इज़ अ हैंड हेल्ड स्कैनर। बारकोड रीडर जो होता है वो हाथ से पकड़ने वाला स्कैनर होता है। स्कैनर का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्कैन करने वाला, किसी भी पिक्चर को अपने अंदर लेना। इट रीड्स और स्कैन द बारकोड। ये रीड भी कर सकता है और स्कैन भी कर सकता है बारकोड को। रीड का मीन्स होता है वो पढ़ सकता है कि उसके अंदर क्या है। दैट अपेयर ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अपेयर होते हैं। यूजिंग लाइट बीम्स एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर। इसमें किरणों के जरिए, लाइट की कुछ किरणें डालकर इंफॉर्मेशन को मॉनिटर तक पहुंचाया जाता है। इसका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन मॉनिटर को डिस्प्ले करता है। जैसे अपने स्टूडेंट्स, बारकोड रीडर का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। आप जब कभी किसी मॉल में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं और आप अपनी बास्केट में सामान, परचेजिंग आइटम सेलेक्ट करके आप अपनी बास्केट में रख लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं बिल बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो एक मशीन का यूज़ करते हैं और वो मशीन उसके उस प्रोडक्ट पर लगी हुई एक स्लिप जिसमें बारकोड बना रहता है, लंबी लंबी लाइनें खींची रहती हैं, उन लाइन्स को स्कैन करते हैं और वो वहाँ पर रेट सेलेक्ट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड बारकोड रीडर। इन एवरी शॉप मॉल एंड लार्ज शॉप्स यू कैन गेट दिस। सो स्टूडेंट्स, बारकोड रीडर क्या काम करता है? ये रीड करता है, स्कैन करता है बारकोड्स को, जो बारकोड्स बने रहते हैं प्रोडक्ट्स पर, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग बारकोड होते हैं, और उसे इसके अंदर एक लाइट होती है, लाइट की कुछ रेंज होती है, बीम्स होती हैं, किरणें जाती हैं और वो मॉनिटर पर, जैसे ही स्कैन करता है तो मॉनिटर पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस बारकोड के जरिए उस मॉनिटर के अंदर चली जाती है। बारकोड रीडर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन सुपरमार्केट्स एंड मॉल्स। जैसे मैंने बताया आपको कि बारकोड रीडर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज, बारकोड रीडर्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये आमतौर पर सुपरमार्केट्स और मॉल्स में ही मिलते हैं, वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े मॉल्स में इसका यूज़ किया जाता है। बारकोड इज़ अ पैटर्न ऑफ वर्टिकल लाइन्स ऑफ डिफरेंट। अब ये बारकोड क्या होता है स्टूडेंट्स? बारकोड होता है एक वर्टिकल लाइन्स होती हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट पर एक वर्टिकल लाइन्स खींची रहती हैं और वे डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के साथ होती हैं स्टूडेंट्स। उनके अंदर अलग अलग थिकनेस होती है, कोई मोटी लाइन होती है, कोई छोटी लाइन होती है,
उनमें थिकनेस का ही मेन इफेक्ट होता है, दैट कंटेन्स द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और जिनके अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है उन्हीं लाइंस के अंदर पूरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है? सच एज इट्स नेम, जैसे कि उसका नेम, प्राइस, पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन और वगैरह वगैरह। तो इन थिकनेस के अंदर ही प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम, प्राइस, पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन। इट इज अ मशीन रीडेबल कोड, और ये एक मशीन होती है जो कोड को रीड करती है। सो बारकोड रीडर को एक तरह समरी में हम समझ लेते हैं, बारकोड रीडर हाथ से पकड़ने वाला एक स्कैनर होता है, और ये हमारे प्रोडक्ट में, जैसे मॉल में प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी गुड्स आप परचेज करते हैं तो उस पर बने हुए बारकोड को रीड करने का काम करता है। इसमें एक लाइट बीम्स होते हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन मॉनिटर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। बारकोड रीडर मोस्ट प्रॉब्ली जो मिलते हैं वो सुपरमार्केट एंड मॉल्स में मिलते हैं। बारकोड क्या होता है? बारकोड होते हैं कुछ वर्टिकल लाइन जो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के साथ होती हैं, जो अपने अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उनके नेम, प्राइस, पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन सभी कुछ रखती हैं। और ये एक ऐसा रीडर है जो मशीन को, ये एक ऐसा रीडर मशीन है जिससे कोड को रीड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी कुछ इनपुट डिवाइस क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इनपुट डिवाइस के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।